मनाली हमारे हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन जो लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां चारों तरफ आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलेंगे और इन बर्फीले पहाड़ों को हर कोई महसूस करना चाहता है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ हसीन लम्हे बिताना चाहता है और पहाड़ों में बसी एक अनोखी संस्कृति को समझना चाहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल के व्लॉग्स। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं हमारे हिमाचल प्रदेश के एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में, जो फेमस है यहां की ब्यूटीफुल वादियों के लिए, यहां पर होने वाली स्नोफॉल के लिए और यहां की अनोखी संस्कृति के लिए। तो आप भी अगर मनाली आने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप मनाली पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है मनाली में घूमने के लिए, टैक्सी का क्या खर्चा आने वाला है, होटल का क्या खर्चा आने वाला है, कहाँ पर आपको होटल लेना पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपका इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में कितना खर्चा होने वाला है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मनाली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले नई दिल्ली तक पहुंचना होता है और 90% लोग अपना मनाली का सफ़र यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली के कश्मीरी गेट, आर के आश्रम और मजनू का टीला से आपको डायरेक्ट मनाली तक के लिए वॉल्वो बसेस मिल जाएगी, जिसका किराया ओनली 1000 रुपये पर पर्सन होता है, यानी आने जाने का टोटल 2000 रुपये। और ये वॉल्वो बस की टिकट आप किसी भी ऑनलाइन ऐप जैसे रेड बस, मेक माई ट्रिप या इक्सीगो के थ्रू कर सकते हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मनाली में पहुंच चुका हूं और जैसे ही आप मनाली पहुंच जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा रूम लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पहुंचोगे मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड, तो वहीं से ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पर आता है मनाली का मेन मार्केट यानी बॉल रोड। तो वहीं पर जो आपको अपना होटल लेना है या फिर उसके आसपास भी आप ले सकते हो। तो मैंने जो ये होटल लिया है, आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट सा होटल है और लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है और इसमें जो आपको हीटर वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी अगर आप विंटर्स में आते हो तो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको होटल कितने दिन के लिए लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा मनाली अगर आप घूमना चाहते हो तो आपको 3 नाइट्स के लिए यहाँ पर होटल लेना पड़ेगा। तो इसके अगर होटल की बात करें तो इसका किराया है 2000 रुपये पर डे, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहेगा, जिसमें आप 2 लोग रह सकते हो और अगर आपके साथ आपका बेबी है तो वो भी यहाँ पर इजीली एडजस्ट हो सकता है। होटल का नाम है मनाली लॉज और लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मनाली में होटल लेने के बाद आपको सीधा निकल जाना है यहाँ से मनाली की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस शिशु के लिए। तो शिशु निकलना है और अभी मैंने की है यहाँ पर गाड़ी, तो गाड़ी जो आपको मनाली में मिल जाएगी पर डे 2000 के हिसाब से। बट अगर आप शिशु, अटल टनल, रोहतांग पास ऐड करते हो या फिर सोलांग वैली ऐड करते हो तो उसके आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो 3 दिन जो है मेरे साथ रहने वाली है गाड़ी, तो 3 दिन के होते हैं 7000 रुपये। और ये जो मैंने पूरा पैकेज लिया है फ्लूटो हॉलीडेज कंपनी से, तो उन्हीं ने मेरा पैकेज अरेंज किया है और कार मेरे साथ 3 दिन रहने वाली है, जिसमें फर्स्ट डे आपको मिलेगा शिशु, सोलांग वैली, अटल टनल और सेकेंड डे आपका रहने वाला है मनाली का लोकल साइट सीन और थर्ड डे आपका रहने वाला है कुल्लू और मणिकरण। तो ये 3 दिन मेरे साथ गाड़ी रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि 4000 रुपये लगे थे आपके वोल्वो के 2 लोगों के और इसके बाद जो दूसरा खर्चा था वो लगा था आपका मनाली होटल में 6000 रुपये और तीसरा जो अभी आपने खर्चा देखा वो था कार का 7000 रुपये। तो टोटल आपके होते हैं 17000 रुपये। बट ये पूरा जो मैंने पैकेज लिया है वो लिया फ्लूटो हॉलीडेज कंपनी से, तो पूरा पैकेज आप ले सकते हो मात्र 14000 रुपये में। 3000 रुपये आपकी सेविंग हो जाएगी और काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी, आप इनसे पैकेज ले सकते हो, दिल्ली की कंपनी है। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनका मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप इनसे पैकेज ले सकते हो। तो दोस्तों, डे 1 में ही सुबह जल्दी उठकर आपको अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाना है मनाली की सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस शिशु के लिए, जो इतनी ऊँचाई पर है कि यहाँ पूरे साल बर्फ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और ये प्लेस मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यकीन मानो, ये रास्ते आपको इतना सुकून देंगे कि लाइफ में आप हमेशा याद रखोगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हमारे हिमाचल यानी मनाली की सबसे फेमस प्लेस यानी शिशु में। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरे जो है माउंटेन्स आपको
स्नो से कवर दिखने वाले हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जो यहाँ पर नदी यानी जो लेक कह सकते हैं ये पूरी फ्रोजन है, यानी बर्फ से जो है पूरी जमी हुई है। तो इसके ऊपर भी चलकर आप जा सकते हो पर थोड़ा सा रिस्की है। और इसी के साथ आप देख सकते हो पूरा नज़ारा शिशु का। और सीरियसली दोस्तों, जब पूरे इंडिया में तेज़ गर्मी होती है तब यहाँ शीशु में आप -10 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक का टेम्परेचर फील कर सकते हो। और गैस यहाँ पे जो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो ये सामने की तरफ आप जो देख पा रहे हैं ये है ATV बाइक्स, तो इनके थ्रू जो आप पहाड़ों पर घूम सकते हो और इसके लिए आपके लगने वाले लगभग 500 से 1000 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट जिपलाइन कर सकते हो, इसका जो टिकट है लगभग 500 रुपये। तो 500 रुपये पर पर्सन में आप जिपलाइन कर सकते हो। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा, ये देखिए। तो वहाँ तक आपको जाने को मिलेगा 500 रुपये में, और वहाँ पर जाकर जो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और वैसे जिपलाइन तो आपने काफ़ी सारी देखी होगी, पर ये जिपलाइन थोड़ी डिफरेंट है और एडवेंचरस भी, क्योंकि इस जिपलाइन में आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर ले जाया जाता है, वो भी एक रिवर के ऊपर से, जो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस शीशु में हम बैठे हुए और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग मिल चुके हैं। भाई आप लोग कहाँ से हो? दिल्ली से हो? सभी दिल्ली से हो? वाह, तो यहाँ पर जो आकर आपको मज़ा आ रहा है शीशु में? और मनाली आप फर्स्ट टाइम आए हो? सेकंड टाइम है। और आपने रोहतांग पास विजिट किया कभी पहले? नहीं, अभी तक नहीं किया। बट गाइस शीशु बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और कुछ दोस्तों के साथ नए नए दोस्त बनाइए, मैगी खाइए, चाय पीजिए और इन्जॉय कीजिए। और शीशु को विजिट करने के बाद आपको सीधा निकल जाना है मनाली की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए, जिसका नाम है अटल टनल। और ये अटल टनल को बनने में लगभग 10 साल लगे और हाल ही में सन 2020 में इसकी ओपनिंग हुई। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ अटल टनल के नीचे की तरफ। तो ये है कुछ अटल टनल और ये लगभग जो है 9.5 से 10 किलोमीटर लंबी है, यानी कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल है। और सीरियसली दोस्तों, इस टनल में एंटर करने के बाद आपको लगेगा कि आप इंडिया की सबसे बड़ी टनल में ट्रैवल कर रहे हो। स्पीड लिमिट 60 और विदाउट एनी ट्रैफिक इन विशाल पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई ये टनल, और मात्र 10 मिनट का सफ़र और फिर आप सीधा पहुंच जाओगे मनाली की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस सोलांग वैली में। एंड ये प्लेस रियली बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। एंड गाइस ये है मनाली की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग, जिसका चार्जेस 2000 रुपये पर पर्सन होता है। और अगर आप ज़्यादा हाइट से करना चाहते हो पैराग्लाइडिंग, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये देना होंगे। बट सीरियसली ये एक्टिविटी सच में एडवेंचरस है, वाओ। और यहाँ सोलांग वैली में जो है सबसे ज़्यादा लोग पैराग्लाइडिंग ही करते हैं, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे सोलांग वैली का नज़ारा, वाओ, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ग्रीनरी। पूरा जो है सोलांग वैली किसी जन्नत से कम नहीं। और एक चीज़ गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं आया हूँ जनवरी के मंथ में, तो इस बार जो स्नो थोड़ा सा लेट हुआ था, बट यूजुअली अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पर पूरा सोलांग वैली आपको बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। और जैसे यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। डे टू हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ होटल विस्लिंग पाइंस के नीचे। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भी आकर स्टे कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको नज़ारा मिलने वाला है बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है पूरा रूम और क्या है यहाँ का किराया। तो रूम तक मैं पहुँच चुका हूँ और ये रहा हमारा रूम 301। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा एक मैसिव सा बेड लगा हुआ, ये देखिए वाओ। तो रूम जो है अल्ट्रा लग्जरी है, यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर आपको दिखेगी एक बहुत बड़ी बालकनी। तो अगर आप यहाँ पर आते हो स्नो टाइम पे, यानी जनवरी फरवरी या मार्च तक आते हो, तो आपको ये पूरा है जो स्नो से कवर मिलने वाला है, ये पूरा विंडो के बाहर वाला एरिया। तो और इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम। तो भाई ये है यहाँ का वॉशरूम और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और गीज़र वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली यहाँ पर विंटर में। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक मैसिव सा बालकनी का एरिया। तो चलिए, तो यहाँ से अगर आप देखोगे वाह, तो गाइस ये रहा पूरा बालकनी का एरिया। तो यहाँ पर अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में आते हो तो पूरा जो है आपको माउंटेन स्नो से ढका हुआ मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ का किराया कितना है। तो पर डे यहाँ पर आपके लगने वाले हैं 3500 रुपये। 3500 रुपये आपके कैसे लगेंगे, क्योंकि ये जो पूरा पैकेज मैंने लिया है वो लिया है फ्लूट हॉलीडेज कंपनी से। अगर आप अपना ये वाला होटल बुक करते हो ऑनलाइन, तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे मिलने वाला है। तो वैसे मैंने लिया है फ्लूट हॉलीडेज कंपनी से, तो अगर इसका 3 नाइट यानी 3 नाइट 4 डेज का किराया देखें, तो 3500 रुपये पर डे के हिसाब से होता है आपका 10,500 रुपये, जिसमें आप 2 लोग रह सकते हो और आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। तो फ्लूटो से आप पैकेज ले सकते हो। तो दोस्तों होटल के बाहर की साइड में खड़ा हूँ और अभी मैंने लिया है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा छोले हैं, पूड़ी है, और इसके अलावा पोहे, बहुत सारी आपको यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली है। बट उसी के साथ आप ये वाला नज़ारा फील कर सकते हो। तो होटल अगर आप 3 से 4 किलोमीटर दूर लोगे मॉल रोड से, तो इस नज़ारे को इंजॉय करते हुए आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। तो अगर आप यहाँ पर अप्रैल मई जून में आते हो, तो आपको ये सारे पेड़ पूरे खिले हुए दिखेंगे, यानी यहाँ पर एप्पल से एप्पल आपको दिखने वाले हैं। तो इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए और कीजिए अपना ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ। और नेक्स्ट डे आपको आ जाना है मनाली के मेन मार्केट यानी मॉल रोड पर, जहां आपके मनोरंजन की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप आपकी पूरी मनाली ट्रिप में डेली यहां आकर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मनाली के मॉल रोड पर, और यहां पर जो है विंटर कार्निवल स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप जनवरी के फर्स्ट वीक में यहां पर आते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा विंटर कार्निवल। और दोस्तों ये जो पूरा मॉल रोड है लगभग 1.5 से 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो और यहीं पे आप अपना लंच और डिनर भी कर सकते हो। तो अपनी फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो यहाँ पर शॉपिंग करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे मॉल रोड का नज़ारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पर है, बहुत प्यारा विंटर कलेक्शन होता है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारी होटल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं हिमालयन ढाबा, तो यहाँ पर जो है वेज नॉन वेज के दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो इस पूरे मॉल रोड पर आकर। और अभी मैं आपको कैमरा जो है थोड़ा सा घुमा कर दिखा देता हूँ, ये देखिए वाओ, पूरा मॉल रोड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी आना मिस मत कीजिएगा, अपनी इस मनाली की ट्रिप को यादगार बनाइए। और यहाँ पर जो है मनाली के मॉल रोड पर आप ज़रूर आइए, ये देखिए पूरे मॉल रोड का नज़ारा, शाम तक पूरा आपको ऐसा ही मिलने वाला है। और मॉल रोड से ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये हडिम्बा देवी टेम्पल, जो मनाली के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, जो चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है।
तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मनाली के सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर, यानी हडिंबा देवी टेम्पल पर। गाइस ये जो मंदिर है बहुत पुराना है और पूरे साल जो यहां पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, तो आप भी यहां पर जरूर आइएगा। और अभी मैं आपको अंदर की तरफ चल के दिखाता हूं कि क्या है यहां पर मंदिर में। वैसे आप सभी लोगों ने महाभारत में भीम का नाम तो सुना ही होगा, और भीम ने राक्षस कुल में रहने वाले हिडिंब राक्षस की बहन हडिंबा से अपना विवाह किया था, इसीलिए ये मंदिर भीम की पत्नी हडिंबा देवी को समर्पित है। और गैस एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पर जो है लाइन से इस पूरे मंदिर में भेड़ के सींग लगे हुए है, ये बिल्कुल रियल सींग है गैस। तो ये राक्षस कुल से थी हडिंबा देवी, इसीलिए ये सब चीज यहाँ पर लगाई गई है। वाओ। और फिर से आप देख लीजिए एक बार पूरे मंदिर का ओवरव्यू। ये देखिए चारों तरफ से जो है देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है पूरा हडिंबा देवी टेम्पल। तो गाइस एक अलग ही ब्यूटी है इस पूरे टेम्पल की। और अगर आप यहाँ पर सर्दियों में आते हो जनवरी फरवरी में, तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है हडिंबा देवी टेम्पल, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर जो है मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है, तो काफी सारे जो कपल्स है और फैमिली वाले हैं यहाँ पर जो हिमाचल का एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहन के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवाइए। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे कपल्स हैं और बहुत ही प्यारी यहाँ की ड्रेस है हिमाचल की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आपके आने वाले हैं। और गाइस जब भी आप हडिंबा देवी टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर जो है ये खरगोश को ले सकते हैं हाथ में और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो 50 रुपये लगे मेरे इसके, बट ये मोमेंट आपको हमेशा याद रहेंगे अपनी लाइफ में। वाओ ये देखिए कितना क्यूट है। वाओ। और मंदिर के बाहर की साइड छोटा सा मार्केट भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो लाइन से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है याक, इनके ऊपर आप बैठ सकते हो। इनका जो चार्जेस है लगभग 50 रुपये है इस पे बैठने का, और अगर आप इनकी सवारी करना चाहते हो इस याक की तो आपके लगने वाले 100 रुपये, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और हडिंबा देवी टेम्पल से बाहर निकलते ही आप ओल्ड मनाली को भी विजिट कर सकते हो, जो हडिंबा देवी टेम्पल से ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ओल्ड मनाली में आप छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पर रहने वाले लोग और वहाँ के छोटे छोटे घरों को भी देख सकते हो, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एंड ओल्ड मनाली के बाद आपको आ जाना है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर, जो पूरे मनाली की सबसे शांत जगह है। तो दोस्तों मनाली में अगर आपको कहीं सुकून और शांति चाहिए तो आप यहाँ पर जो है मॉल रोड पर बनी हुई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में आ सकते हो। तो पहाड़ों के बीच बनी हुई ये मॉनेस्ट्री, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं और मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है और सिख धर्म में गुरुद्वारे होते हैं, ठीक उसी तरह से जो बौद्ध धर्म में ये मोनेस्ट्रीज होती है। तो चलिए अंदर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको क्या है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। तो ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच बनी हुई है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, वाओ। तो यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही फील आने वाला है, एक अलग ही एनर्जी आपको यहाँ पर आकर मिलने वाली है, तो ज़रूर आप यहाँ पर आइएगा। और ये है मोनेस्ट्री में स्थित भगवान बुद्ध की एक अद्भुत प्रतिमा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म की सबसे ज़्यादा आबादी चीन में है, और हमारे भारत में बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और लद्दाख में है। पर मेरा ऐसा मानना है कि धर्म चाहे कोई भी हो, हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, और उस धर्म से जुड़े लोगों की आस्था को कोई ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और शायद यही मानवता का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। इसीलिए हमेशा अपने धर्म के प्रति आस्था बनाए रखिए, क्योंकि हर धर्म अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। और मॉनेस्ट्री को विजिट करने के बाद आपको सीधा आ जाना है वशिष्ठ टेम्पल पर, जो मॉल रोड से ओनली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि का है। यहाँ आपको वशिष्ठ ऋषि के साथ भगवान श्री राम,
माता सीता और लक्ष्मण जी के भी दर्शन होंगे और ये पूरा मंदिर लकड़ी और पत्थरों पर नक्काशी करके बनाया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। और मनाली ट्रिप के लास्ट डे में आपको कुल्लू और मणिकरण के लिए निकल जाना है जिसमें मनाली से कुल्लू की दूरी 40 किलोमीटर और मनाली से मणिकरण की दूरी टोटल 80 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज है हमारा लास्ट डे यानी हम निकलने वाले हैं कुल्लू और मणिकरण के लिए। तो हमारी जो है कार यहाँ पर खड़ी हुई है और दोस्त लोग यहाँ पे खड़े हुए, हम तीनों साथ में आए थे मनाली। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है मैं रास्ते पर रुका हूँ आपको बताने के लिए, यहाँ पर जो है आप हॉट बलून एयर वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लगभग आपको 1000 रुपये तक देना पड़ेंगे पर पर्सन। तो ये एक्टिविटी आप इंजॉय कर सकते हैं मनाली में आकर। तो दोस्तों रास्ते में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था हॉट एयर बलून, और उसी के साथ आप रास्ते में ये भी कर सकते हो यानी रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। और इसका जो चार्जेस है लगभग 1500 से 2000 के बीच रहता है, डिपेंड करता है आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हो। तो यहाँ पर आकर आप ये भी कर सकते हो। और अगर लाइफ को सही तरीके से जीना चाहते हो तो साल में 10 दिन खुद के लिए ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि लाइफ का क्या है, आज है तो कल नहीं। तो क्यों ना इन हसीन लम्हों को कुछ इस तरह खुलकर जिया जाए जो आपकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन जाए। और कुल्लू के रिवर राफ्टिंग और हॉट एयर बलून जैसी एक्टिविटी को एंजॉय करने के बाद आपको सीधा निकल जाना है मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के लिए। तो दोस्तों ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जो सिख धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है, और पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ ये गुरुद्वारा यात्रियों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां रोज़ाना हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और इस गुरुद्वारे में आपको सिख धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है भगवान शिव की एक अनोखी प्रतिमा और साथ में बहती हुई ये पार्वती नदी जिसके कुछ हिस्सों में से गर्म पानी निकलता है। तो दोस्तों मनाली ट्रिप का सबसे लास्ट डे है और अब मैं पहुंच चुका हूँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारे पर, जो मनाली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बट इतनी दूर अगर आप आते हो तो आपको बहुत ही पीसफुल लोकेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं कि ये जो आपको धुआं दिख रहा है, ये गाइस गर्म पानी का यहाँ पे कुंड बना हुआ है, उसी में से जो है धुआं निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ क्या है इस गुरुद्वारे में। यहाँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में प्राकृतिक रूप से जमीन में से गर्म पानी निकलता है, जो अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है। और कहते हैं यहाँ गर्म पानी के कुंड में नहाने से गठिया और चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और इस प्राकृतिक रूप से निकलते हुए गर्म पानी के कुंड के ऊपर बनी हुई है भगवान शिव की ये अनोखी प्रतिमा, जो इस गुरुद्वारे में हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है दो लोगों का। तो सबसे पहले आपका खर्चा होने वाला है दो लोगों का वोल्वो के लिए। तो दिल्ली से जो आपको मनाली के लिए वोल्वो मिल जाएगी
पर पर्सन 1000 रुपये में। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पर पर्सन आपके लगते हैं रिटर्निंग मिला के 2000 रुपये, तो टोटल दो लोगों के हुए आपके 4000 रुपये वोल्वो के। तो ये था आपका पहला खर्चा। और दूसरे अगर खर्चे की बात करें तो वो आपका होने वाला है होटल में। तो होटल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 6000 रुपये आपके लगने वाले हैं 3 दिन के, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहेगा। तो ये था आपका होटल का खर्चा 3 नाइट 4 डेज का 6000 रुपये। और तीसरा जो आपका मोटा मोटा खर्चा होने वाला है वो आपका होने वाला है टैक्सी में। 3 दिन के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी 7000 रुपये में, पर डे आपको मिलेगी 2000 में, और 1000 जो आपका है फर्स्ट डे लगने वाला है एक्स्ट्रा शिशु के लिए। तो टोटल आपके होते हैं टैक्सी के 7000 रुपये। अब अगर आप इन तीनों खर्चों को टोटल करोगे तो आपके टोटल होते हैं 17000 रुपये। ये 17000 रुपये में आप पूरा अपना मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं दो लोगों का। बट गाइस, ये जो पूरा पैकेज है मैंने लिया था फ्लूटो होलीडेज कंपनी से, तो 17000 की जगह आपको पूरा पैकेज पड़ने वाला है 14000 रुपये में। तो ये था पूरा पैकेज, आप ले सकते हो फ्लूटो होलीडेज कंपनी से 14000 रुपये में, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट डिनर वोल्वो टैक्सी सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है फ्लूटो होलीडेज। मैं अपने सारे ट्रिप प्लान करता हूँ फ्लूटो होलीडेज के थ्रू, तो आप भी अपना जो ट्रिप है प्लान कर सकते हो फ्लूटो होलीडेज कंपनी के थ्रू। तो ये रहा नंबर, इनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना टूर प्लान कीजिए मनाली का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।